देखिए, ये मोदी जी की मैजिक तो गई। या मोदी सरकार तो है नहीं, अब एनडीए की सरकार, अनुकंपा पर सरकार बनी। भैया आप स्थिति तो आप देखिए ना भैया, जब पांच इधर 10 घट जाएगा। लेकिन किंग मेकर के भूमिका में नीतीश कुमार इस बार है बिहार हम से। कह रहे हैं पांच शिंदे का टूट जाएगा, पांच यदि बीजेपी का टूट गया बंगाल में, तब क्या होगा? अच्छा हमको आप एक बात बताइए, तो हम अथी हैं खीरा ककड़ी आइए, हम ऑफर 64-60%, 40% बाजार में कपड़ा का ऑफर रेट सेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2024 में फिर से एनडीए की सरकार है जो बनने जा रही है, और प्रधानमंत्री के तौर पर फिर से नरेंद्र मोदी हैं जो शपथ लेने वाले हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। कैसे देख रहे हैं फिर से तीसरी बार एनडीए की सरकार इस बार बनने जा रही है केंद्र में? देखिए, ये मोदी जी की मैजिक तो गई। या मोदी सरकार तो है नहीं, अब एनडीए की सरकार, अनुकंपा पर सरकार बने। अब आप हिंदू मुसलमान तो कर नहीं पाएंगे, आपको कोई ना कोई फैसले लेने पड़ेंगे, नीतिगत काम करने के लिए आपको मन बनाना होगा। और अभी बहुत आप स्ट्रगल होंगे। अब जैसे बीजेपी के पांच सांसद तृणमूल कांग्रेस के संपर्क में है और टेलीग्राम भी कर दिया, पांच सांसद क्या कहते हैं आपको शिंदे के शिवसेना के टच में है, तो 10 हो गया। हो गया यानी कि बीजेपी के सांसद अब भागेंगे? भैया, मतलब आज नहीं भागेंगे तो कल की स्थिति अच्छी नहीं होगी। कल नीतीश कुमार जी टूटेंगे, तोड़ देगा, आप देख लीजिएगा। नीतीश कुमार जी को आज जितना भरोसा हो, कल नीतीश कुमार जी को दल तोड़ देगा। मतलब बीजेपी नीतीश कुमार का दल तोड़ के ले लेंगे अपने में, हाँ, नीतीश कुमार के सांसद को तोड़ के अपने में बीजेपी ले लेंगे? देखिएगा, समय आने दीजिए, जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो। कल जिस तरह शपथ समारोह है, अब जदयू को भी मंत्री मिल रहा है इस बार। इसलिए स्पीकर की बात हो रही है ना, कि स्पीकर चंद्रबाबू नायडू क्यों मांग रहे हैं कि कोई गलती ना करवा सके, लोग बदमाशी ना करें। आप इसको समझिए जी क्या दिया जाएगा उनको? भैया। आप स्थिति तो आप देखिए ना भैया, जब पांच इधर 10 घट जाएगा। लेकिन किंग मेकर के भूमिका में नीतीश कुमार इस बार है बिहार हम से। कह रहे हैं पांच शिंदे का टूट जाएगा, पांच यदि बीजेपी का टूट गया वहां से बंगाल में, तब क्या होगा? आप बता दीजिए तब क्या होगा। मतलब बीजेपी तोड़ के अपने में बहुमत समाज सत्ता में कर लेगी? बीजेपी का टूट गया, तृणमूल में चला गया बीजेपी का, तो जी, तब फिर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी? इंडिया अलायंस की सरकार बने, जो चल रहा है। मैंने कहा ये जो तीसरा जो दौर है ये किसी भी सरकार के लिए लंबा नहीं है, ये फेज बहुत ही गलत है। यानी कि एनडीए की सरकार ज्यादा दिन तक अब नहीं चल पाएगी? मुझे नहीं लगता, मुझे दिखता नहीं है, अस्थाई सरकार की गुंजाइश नहीं है, मुझे वो परिस्थितियां नहीं लगती है। लेकिन 14-19 देखा गया, उस समय मोदी की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार हो रही है। भैया मैं वही बात तो कह रहा हूं कि कोई ये तो है नहीं, किसी भी कीमत पर वो नहीं है। आप हालात को देख लीजिए, आप परिस्थितियों को देखिए। लेकिन जदयू डिमांड रखने लगी है, जिस तरह से अग्निवीर योजना की जो बात कही जा रही थी उसको लेकर कह रही है कि समीक्षा करनी चाहिए अग्निवीर योजना अब करें, अब मोदी जी को बहुत समीक्षा करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों की समीक्षा करनी पड़ेगी। विशेष राज का डिमांड किया कि नहीं, विशेष पैकेज देंगे कि नहीं, जितना कोसी सीमांचल में वादा किया है वो देंगे कि नहीं, वो करेंगे कि नहीं मोदी जी, बाढ़ से मुक्ति देंगे कि नहीं, हाई डैम देंगे कि नहीं, क्या क्या करेंगे, 69% आरक्षण देंगे कि नहीं, जो कांग्रेस और नीतीश जी का जो वादा था जो किया, जाति जनगणना का करेंगे कि नहीं। अब निर्दलीय सांसद हैं, क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात करिएगा आप? हमेशा 24 घंटा मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री से, हम सांसद हैं तो अपने क्षेत्र को लेकर के नहीं करेंगे, एकदम बात रखेंगे, काम करवाएंगे। इंडिया तरफ से ऑफर आया कि नहीं कि आप भी हमारे तरफ आ जाइए, इंडिया तरफ आ जाइए? हाँ इंडिया की तरफ से ऑफर आया कि नहीं कि आप भी मेरे हमारे तरफ आ जाइए? भैया, एनडीए की तरफ से कौन सी का ऑफर आएगा?
निर्दलीय हैं आप कोई सी अच्छा सा... हमको आप एक बात बताइए तो हम अथी हैं खीरा ककड़ी आइए हम ऑफर 64-60% 40% बाजार में कपड़ा का ऑफर रेट सेल लगा हुआ है कपड़ा का ऑफर चल रहा है। हम सामाजिक राजनीतिक प्राणी हैं और जनता की इच्छा से ना कोई बात होगी मतलब कोई ऑफर नहीं हो हम आप इंडिया एयरलाइंस में रहिएगा भैया आराम से जनता जो चाहेगी वो करेंगे। क्या कुछ करे थे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव आपने सुना इस्तेमाल खोल पर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।